उमरिया जिले के बिरसीपुर पाली में राखड़ ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पाली प्रवास के दौरान मुलाकात करते हुए एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि मिश्रा ने ज्ञापन पत्र देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के पावर प्लांटों से सीमेंट फैक्ट्रियों में ओवरलोड राखड़ परिवहन किया जाता है, जिससे सड़कों की धज्जियां उड़ रही है। वहीं आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बीते दिनों ओवरलोड का विरोध करने पर संजय गांधी पावर प्लांट बिरसीपुर पाली सहित शहडोल संभाग के अन्य पावर प्लांट से प्रबंधन ने अंडर लोड परिवहन करना आरंभ कर दिया था, लेकिन झाबुआ पावर प्लांट सिवनी NTPC पावर प्लांट गाडरवारा JP पावर प्लांट बीना ललितपुर पावर प्लांट प्रबंधन अभी भी ओवरलोड परिवहन कर रहे हैं। अतः मध्य प्रदेश के जिन पावर प्लांट से ओवरलोडिंग राखड़ परिवहन की जाती है उनमें तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही प्रदेश में जहां भी पावर प्लांट स्थापित हैं वहां के कलेक्टरों को निर्देशित किया जाए कि वह पावर प्लांट व सीमेंट फैक्ट्रियों से शपथ पत्र मांगे कि कभी भी ओवरलोड राखड़ परिवहन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि मैं भरसक प्रयास करूंगा कि ओवरलोडिंग राखड़ परिवहन पूरे प्रदेश में बंद हो। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि मिश्रा, राकेश सिंह, अनिल यादव, विजय गुप्ता, विकास सोनी, राजन सोनी, रमेश विश्वकर्मा, सूर्या अवधिया और साथ ही में राकेश शिवहरे, सौरभ खंडेलवाल, हिमांशु शिवहरे, दादूराम विश्वकर्मा, दीपक सरकार, दीपक भारती और जितेंद्र गुप्ता, हितेंद्र सिंह, के जायसवाल, महेंद्र सिंह, महेंद्र गुप्ता, वैभव अग्रवाल, गोलू सिंह और अजय मिश्रा, प्रदीप अग्रवाल सहित अन्य वाहन मालिक मौजूद रहे। आज हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को ज्ञापन दिया, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से ओवरलोड का विरोध कर रहे हैं। समूचे बिंद में लगभग अंडरलोड चल रहा है वाहन फ्लाइयर्स के, लेकिन गाडरवारा झाबुआ पावर प्लांट से अभी भी रिलायंस, KGS, सतना प्रिज्म, इन सभी पावर प्लांटों के लिए ओवरलोड परिवहन निरंतर किया जा रहा है, जिससे रिलायंस फैक्ट्री के द्वारा हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग भी ओवरलोड परिवहन करिए। और हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से यही बताना चाहते थे कि जब हमारे बिरसिंहपुर पावर प्लांट, चचाई पावर प्लांट, जतहरी मोजरबेर पावर प्लांट से अंडरलोड का परिवहन हो रहा है, जबकि समूचे विंध्य से ही माना जाए, सतना क्षेत्र से भी अंडरलोड परिवहन किया जा रहा है, तो झाबुआ पावर प्लांट फिर इससे क्यों अछूता है? क्योंकि झाबुआ पावर प्लांट के द्वारा अभी भी फुल ओवरलोड दिया जा रहा है, जिससे हम लोग को दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ से जब ओवरलोड परिवहन हो रहा है और हम लोग यहाँ से अंडरलोड परिवहन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो अंडरलोड परिवहन कर रहे हैं उन पर ये दबाव आ रहा है कि ओवरलोड परिवहन के द्वारा ओवरलोड परिवहन हो रहा है, जिससे हम लोगों को अंडरलोड चलने के कारण रेट में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मीना सिंह जी मंत्री जी से यह निवेदन किए कि ओवरलोड परिवहन पूर्णतः पूरे प्रदेश में बंद होना चाहिए, और इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। कितने वाहन मालिक प्रभावित होते हैं इससे? इससे कम से कम लगभग 250-250 मोटर मालिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि समूचे विंध्य में मेरा अनुमान है कि 250 से ऊपर ही वाहन मालिक होंगे जो अंडरलोड चल रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।